ये कहानी आपके सोचने का तरीका बदल देगी। ध्यान से सुनना। एक घनघोर जंगल में एक इच्छा पूर्ति वृक्ष था। उस वृक्ष के बारे में वहाँ किसी को नहीं पता था। ऐसे ही एक बार उस जंगल से एक व्यक्ति गुजर रहा था। चलते चलते वो काफी थक गया था, तो सोचा कि थोड़ा बैठ लूं। किस्मत की बात थी कि वो उसी पेड़ के नीचे बैठा था। काफी ज्यादा थका हुआ था तो वो आराम करने लगा। आराम करते करते उसको नींद लग गई, और जब उसकी नींद खुली तो रात हो चुकी थी। फिर उसने सोचा कि जंगल से अब जाना सही नहीं है, आज की रात यहीं गुजारनी पड़ेगी। वो बैठा और उसने कुछ खाया नहीं था, तो उसे भूख भी लगी थी। वो सोचने लगा कि काश कुछ बढ़िया सा खाने को मिल जाए। वहीं पर पेड़ था, तो उसने उसकी इच्छा को पूरा किया। उसके सामने खाना आया और उसे भूख जोर से लगी थी, तो ज्यादा नहीं सोचा उसे खा लिया। फिर उसने सोचा कि पानी मिल जाए पीने को तो अच्छा होता। अब उसको पानी भी मिल गया। जब उसका पेट भर गया तो उसका दिमाग काम करने लगा कि आखिर ये सब आया कहां से। वो सोचने लगा कहीं यहां भूत तो नहीं। उसने सोचा तो भूत भी आ गया। जैसे उसे भूत दिखा तो अगले पल वो डर के मारे सोचने लगा कि कहीं ये मुझे खा ना ले। उसने सोचा तो भूत ने उसे खा लिया। इस कहानी से मैं आपको दिमाग के बारे में बता रहा हूँ। जो आप सोचते हो अक्सर लाइफ में आपके साथ वैसा ही होता है।